नमस्कार, एएसबी चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण, आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। नए अंदाज से इंटर कॉलेज से 22 एंड्रॉयड फोन दो युवक लेकर फरार। पूरा मामला जनपद मैनपुरी से लगे हुए ईशन नदी पुल के पास सीताराम इंटर कॉलेज का है। यह कॉलेज मदनपुर चौकी में लगता है। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य अवधेश सिंह पाल है। यह ठगी दो युवकों ने नए अंदाज में की है। इसकी चर्चा बहुत तेजी से समाज में चल रही है, क्योंकि दोनों युवकों ने पूरे स्कूल के एक साथ 22 फोनों की ठगी कर ले गए। ये न्यूज दिखाने का उद्देश्य यह है कि क्योंकि इस तरह की घटना दोबारा किसी स्कूल में ना हो जाए, इसलिए यह न्यूज जागरूक करने के उद्देश्य से भी लगाई जा रही है। जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य ने बताया कि हमारे विद्यालय में पिछले 25 तारीख को दो अज्ञात युवक आए थे, जिन्होंने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराने के लिए हमको कहा। मैंने प्रतियोगिता कराने की स्वीकृति दे दी। इस प्रतियोगिता में करीब करीब 60 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कमरा नंबर 10 तथा कमरा नंबर 11 में दो क्लासों में बच्चों को बैठाया गया। दूसरे दिन इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दो प्रतियोगिताएं की गई। ऑफलाइन में एक प्रश्न तथा आंसर कंप्यूटर सीट दी गई तथा दूसरा ऑनलाइन, जिसमें बच्चों के सभी छात्रों के फोन उन दोनों युवकों ने ले लिए और ले जाने के बाद कहा कि मैं इसे ऑफिस में जमा कर देता हूं। प्रधानाचार्य को ऑफिस में ठंडा पीने को कहा और इतने में फोन जमा न करके वह दोनों युवक फोन का थैला लेकर फरार हो गए। इस मोबाइल ठगी का शिकार हुए छात्र छात्राएं, जिसमें किरण, शाहिद, काजल, कोमल, प्रशांत, अरुण कुमार, चांदनी कुमारी, दीक्षा कुमारी, साक्षी कुमारी, काजल, विकास, उत्कर्ष, लक्ष्मी, संगिनी, हिमांशु, सचिन, रजनी, अंबिका, अनामिका आदि छात्राओं के साथ ठगी की गई। इस संबंध में प्रधानाचार्य क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। ये जो आपके विद्यालय में घटना घटित हुई है, क्या घटना है और पूरी बात बता दीजिए। ये दो लोग आए थे हमारे यहाँ, एक दिन फार्म भरने गए, दूसरे दिन उन्होंने परीक्षा कराई। परीक्षा कराने के बाद जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का बोला था, लेकिन मैंने मना किया था उनसे। मना करने के बाद उन्होंने बच्चों से चुपचाप किया कि आप मोबाइल भी लेके आना। बाद में बच्चे जो है मोबाइल लेके आए, कुछ बच्चों से मना भी किया, उन्होंने मना किया फ़ोन लेने की जबरदस्ती, उनसे फ़ोन भी ले लिए, लेकिन जब तक आए वो लेके भाग गए जो लोग थे, उसमें एक पहली लेके इकट्ठे किए लेके भाग गए। अच्छा, कितने बच्चों ने परीक्षा दिया था? 60 बच्चे थे। कितने मोबाइल लिए हो? 22 मोबाइल हैं इसमें, अभी एंड्रॉयड मोबाइल है, दो कीपैड है। ये किस तरीके से जो कंपटीशन कराया था, उसका पेपर वगैरह क्या दिया था? सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का नाम लेके आए थे और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का कराई। परीक्षा बच्चे दे रहे थे उसी वक्त चला गया था क्या? हाँ, परीक्षा पेपर बांटने के बाद उसने बोला हम अभी तो सब मोबाइल आपके ऑफिस में जमा कर ही दे रहे हैं, इसके बाद आप जो है बाद में मिल जाएंगे आपको। वो यहाँ न जमा करके यहाँ तक आया, उसके बाद लेके चला गया। इस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं थी, इसमें मोबाइल भी जमा कर दिया। इस संबंध में आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया क्या? दिया। क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई ये बोला कि करमलाल से नंबर लगे हुए हैं, सभी जांच हो रही है, जांच हो जाए तो पकड़ लिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है। किस पद पे हैं? किस विद्यालय की बात है? सीताराम पाल इंटर कॉलेज। कब से ये मान्यता प्राप्त है? मान्यता प्राप्त हुई है। कितना वर्ष हो गया लगभग चलते हुए? अच्छा, उस दिन कितने शिक्षक थे आपके यहाँ? उस दिन हमारे यहाँ 60 बच्चे थे। शिक्षक कितने, ड्यूटी कितनी लगी थी? शिक्षक दो अध्यापक कमर में ड्यूटी लगी थी, दोनों के यहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, वो लोग जो हैं दो थे कि चार थे? वो दो थे, एक एक रूम में वो दोनों बैठे हुए थे। परीक्षा कराने के लिए वही आए थे अपने कि आप लोग नकल करवाएंगे, आप लोग बाहर निकल जाओ। इतने में उन्होंने मोबाइल बच्चों से इकट्ठे किए, जैसे पहले आया बोला कि हम आपके जो है जमा कर दें, उसके पीछे दूसरा निकल के आ गया अध्यापकों से कह दिया आप लोग वहां बैठो। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।